जो भी उन पे चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होंगे, तभी तो कोर्ट ने बेल दिया है। मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मेरे को किसी बीजेपी से मतलब नहीं है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है, लेकिन जो गलत है वो एग्जैक्टली गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम, और हम आए हुए हैं इस समय करावल नगर क्षेत्र में, जो कि यहाँ से सांसद जो संजय सिंह जी हैं उनके बारे में आज देख रहे हैं, क्योंकि कल उनकी रिहाई हो गई है। कल उन्हें बाकायदा ईडी ने खुद जवाब दिया है कि ये बेकसूर हैं और इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, तो उसके बिहेव पे कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो यहाँ के लोगों से कुछ लोगों से बात करते, देखते हैं उनके बारे में क्या कहना है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कौंडल। अच्छा, जो आप ये संजय सिंह की रिहाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी की जीत है, जनता की जीत है, सच्चे इंसानों की जीत है। और जो इन्होंने केंद्र सरकार ने क्या अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके क्या सही किया है? बहुत गलत किया है। आप खुद देखते होंगे, आप अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपने देखा होगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले की दिल्ली कैसी थी और आज की दिल्ली कैसी है। उन्होंने राजनीति का नज़रिया बदला, ईमानदार राजनीति लेके आए, दिल्ली के लोगों को बताया कि एक ईमानदार राजनीतिज्ञ अगर राजनीति में आता है तो वो क्या कर सकता है। और आप उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक्स, हमारे हॉस्पिटल्स, महिलाओं के मुफ्त सफ़र, बिजली पानी, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो उन्होंने करके दी, जो आज बड़े बड़े शहरों में नहीं है, विदेशों में जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह में नहीं है। सीसीटीवी कैमरे दुनिया के सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे किसी भी एक कंट्री स्टेट में दिल्ली के अंदर है, नंबर वन पे है हमारा भारत। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार बहुत तानाशाही चला रही है, लेकिन हर तानाशाही का एक दिन आता है, हर तानाशाह का एक दिन आता है जब उसका तानाशाही ख़त्म हो जाती है और जनता का वापस राज आता है। तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब दिल्ली में सातों सांसद गठबंधन के होंगे और दिल्ली में वापस हमारी विधानसभा में सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से इस बार 70 में से 70 लेके आएंगे। जो ये अरविंद केजरीवाल जी को जो केंद्र सरकार ने अरेस्ट करवाया, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत गलत गिरफ्तारी है, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है और दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है जिसने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, मेरी माताओं बहनों को बस में सफ़र फ्री, बुजुर्गों को यात्रा फ्री करवाई है। एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत काम किया है। अच्छा, और संजय सिंह जी की जो रिहाई है उसके बारे में क्या? संजय सिंह जी निर्दोष थे, पिछले 6 महीनों से उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है और कल आप सब ने देखा भी है, ईडी ने भी साफ मना कर दिया है कि उन संजय सिंह जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी भी नाजायज थी और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और आखिरकार सत्य की जीत हुई, संजय सिंह जी जेल से रिहा हो गए। और ये राजनीतिक के जो जो दोष लगाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के बारे में क्या कहना? विपक्ष तो हमेशा सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, ना वो बिकेगा ना वो टूटेगा, चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए। आम आदमी पार्टी कतई भी नहीं घबराने वाली चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत देश की जनता है और जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जो देश भर में तानाशाही चल रही है, तो तानाशाही वाकई सही चल रही है? ये बहुत गलत चल रही है और आपने अभी देखा भी है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, पूरे देश की जनता अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए रोड पर आ गई है। रोज कहीं ना कहीं पूरे देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप पूरी तरह से देख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जो संजय सिंह जी को कोर्ट ने बेल दे दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, जो उन्हें बेल मिली है, डेफिनेटली अगर कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है तो जो भी उन पे चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होंगे, तभी तो कोर्ट ने बेल दिया है। उनको किसी सरकार ने बेल नहीं दी, उनको कोर्ट ने बेल दिया है, तो जो भी उन पे चार्जेस हैं कहीं ना कहीं वो झूठ साबित हुए हैं, तभी उन्हें बेल मिली है। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने अरेस्ट करवाया, इसको आपके इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी जो मैं हूँ ना, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मेरे को किसी बीजेपी से मतलब नहीं है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है, लेकिन जो गलत है वो एग्जैक्टली गलत है। अभी अरविंद, हमें बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ का एक बड़ी फेमस लीडर थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, तक दिया है। आज के टाइम पर आप एजुकेशन देखो, फ्री है,
अच्छी क्वालिटी की है, आज के टाइम पर आप हेल्थ देखो हॉस्पिटल में अच्छे से काम किया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए केजरीवाल गवर्नमेंट को यहाँ पर आना चाहिए। जो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने उन पर चार्जेस लगाए वो सारे झूठ हैं। और आप ये देखो ना कि आप जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी तानाशाही ये देखो कि ये सारी चीज़ें इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों हुई है, पहले भी हो सकती थी। शराब घोटाला 2021 का है, वो अब क्यों निकल के आया है? तो एक्चुअली ये पूरी तानाशाही है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आज के टाइम पे अगर ये जो इलेक्शंस है ना, ये एक लास्ट मौका है जनता को वोट देने का। तो मैं कहूँगा कि मैं पूरे 150 करोड़ जनसंख्या से ये कहूँगा कि ये लास्ट मौका है तानाशाही को रोकने का। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, तभी हम जो लोकतंत्र है इसको बचा सकते हैं। ये बताइए, जो संजय सिंह की रिहाई हुई है जो कोर्ट ने उन्हें भेज दी, इसे आप कैसे देखते हैं केजरीवाल को? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं देखता हूँ कि अगर कोर्ट ने उस चीज़ को अप्रूव किया है, अपील को अप्रूव किया है, तो वो चीज़ डेफिनेटली जस्टिफाई है। क्योंकि उनके एलिगेशन लगे थे कि वो फेक है, उनके एलिगेशन लगे वो फेक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्ट जो है बिल्कुल सही फैसले ले रहा है। अगर कोर्ट भी बीजेपी के अंडर है तो वो डेफिनेटली चीज़ नहीं करता, ये बेल नहीं मिलती। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहें? देखो, केजरीवाल की अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो ये बता दो कि ये सब चीज़ें मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी रखी थी कि 2021 का केस है, जो रिवर्स स्कैम है ये 2021 की बात है। तो ये चीज़ें 2024 में जब इलेक्शन का टाइम आया है तो राउंड क्यों हो रहा है, ये बहुत सारी सोचने वाली बातें मैंने कहीं पढ़ी थी। ये जो चीज़ हो रही है, जितने भी डिपार्टमेंट है ये सब बीजेपी के अंदर आ रहे हैं। अगर ये बीजेपी के अंडर है तो ये कैसे किसी और पार्टी के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं? आप वाले पार्टी के कह रहे हैं विपक्षी नेताओं को जेल में डालो, तो इसके बारे में आप सजेशन दें? अब विपक्षी नेताओं के बारे में बात की जाए तो जैसे जो नेता बीजेपी के अंदर जाते हैं, जैसे ही बीजेपी में कोई मिनिस्टर ज्वाइन होता है उसके सारे एलिगेशन हट जाते हैं, सब जगह से उसे देने हो जाते, सारे एलिगेशन हट जाते हैं, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। तो ये क्यों है, मेरे को ये भी तो समझ नहीं आता। तो विपक्षी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ नहीं है, सब बीजेपी के अंदर ही आ रहा है। देखो, मुझे लगता है कि जब संजय सिंह को बेल मिल गई है और उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरे को जब देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई उनको पहले 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जैसे भी उसको इस तरीके से पकड़ के जेल में डाला गया था और जांच भी की गई थी, और अब कहा जा रहा है कि ये बेकसूर हैं और इनको छोड़ दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो एक तरीके से सरासर गलत है कि किसी आदमी का अगर मान लीजिए कोई कसूर नहीं है और अगर उसे जो है उठा करके आप पहले जेल में डाल रहे हो, फिर उसके बाद ये कह रहे हो 6 महीने बाद कि सब कोई कसूर नहीं है, उसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, तो एक तरीके से सरासर गलत है जी। आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप वाले पार्टी कह रहे हैं कि राजनीतिक देशियों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालिए, तो इसे आप क्या कहना है? देखो जी, सबको तो जेल में डालना तब उचित होगा जब सभी की कोई गलती होगी। पहले तो उसकी जांच की जानी चाहिए, अगर लगता है कि गलतियां हैं तो फिर उसकी जो है ना आपको तब जाकर के वो दोषी माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से जैसे संजय जी के साथ हुआ है कि पहले इनको जेल में डाल दिया ये कह करके कसूरवार हैं, फिर उसके बाद जाँच हुई, फिर ये कह रहे हैं कि अब इनकी कोई गलती नहीं, इनको छोड़ दिया है, तो इस तरीके से देखते हुए तो हमारे को सरासर गलत ही लग रहा है कि बाद में भी अगर ये सरकार में 6-7-4 महीने हैं और अगर 3-4-6 महीने बाद अगर ये कह दिया जाए कि केजरीवाल जो है बेकसूर हैं और छोड़ दिया है, तो एक तरीके से एक सरकार पे करारा चमाटा है, तमाचा है। और इसको देखते हुए अगर हम देखें तो संजय जी को जब बेल मिल गई है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी, उसने काम भी बहुत अच्छे करे हैं। अगर मान लीजिए जनता जो है 9 काम भी अच्छे देखें, जैसे सरकार में उन्होंने शिक्षा में अच्छे क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, हेल्थ में अच्छे काम किए हैं, मान जो है लड़कियों को लेडीज़ को मान सम्मान दिया है, उनकी DTC बस फ्री करी है, और इवन यहाँ तक कि देखा जाए तो जैसे हम जानते हैं यत्र नारी से पूजनते तत्र मनते देवता, आजकल जो है लेडीज़ को इतनी जो है इंडिपेंडेंस भी दे दी है कि वो अपना जो है खुद हक और अधिकार से जी सकती हैं। तो ये सारा कुछ जो है केजरीवाल ने एक जनता की पहुंच को बना करके ही संभव किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।